मित्रों, स्वागत है आप सभी का केस स्टडी फॉर केस सॉल्यूशन वीडियो में। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी कि नहीं चल रही। चलिए आ जाइए, चलो केस स्टडी फॉर। आई होप आप लोग तीनों केस स्टडीज और जो पैटर्न हम लोग कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं ना। मस्ती मजाक तो होता रहेगा, पढ़ाई करते हैं ना। प्रथा के मुताबिक सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलो, विच ऑफ द ओपिनियन गिवन बाय द स्टाफ मेंबर्स ऑफ इन हाउस जीएसटी टीम रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एन इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इज मोस्ट लाइकली इन कंफर्मिटी विद द रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। रिगार्डिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23 अंडर प्रोविजंस कंटेंड इन जीएसटी एंड रूल्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी देखना पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ मशीनरी परचेस्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्लियरिंग चार्जेस फ्रेट एक्सेट्रा डिस्कस्ड इन पैरा डी ऑफ द केस स्टडी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ कंप्लायंसेस अंडर इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी। मतलब आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के जो राइट आंसर है उसको जंबल अप करके बुलाए, एक सिलेक्ट करो, ठीक है, देखते हैं। द कंपनी इज अंडर स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हाउएवर, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ कंपनी आर लोकेटेड इन नोएडा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन लाइट ऑफ अबव, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एओसी एओसी वगैरह, इसमें तो मैंने ऐसे ही टिक कर दिया, इसमें कुछ तो समझाने का नहीं था तो मैंने टिक करके रखा है, ठीक है, देखते। चलो, तो ये डीटी प्लस आईडीटी की केस स्टडी है। वापस से इंस्टीट्यूट को पता नहीं इससे क्या इतना ज्यादा प्यार है या उनको यही आता है, वी डोंट नो। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो देखना तो पड़ेगा, है ना, देखते हैं। चलो, पैरा ए दिया है, बी है, सी है और पैरा डी है। देखो, केस स्टडी का इन लोगों ने फॉर्मेट चेंज कर दिया, पहले स्टोरी देते थे, अब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पैराज दे रहे, तो एग्जाम में क्या उड़ते उड़ते आएगा, वी डोंट नो। होम फैब प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन मई 23 हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बिल्डिंग प्रीमाइसेस इन नोएडा बाय यूजिंग अ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कॉमन एंड प्रिवेलेंट इन दीज टाइम्स एंड बिल्डिंग कंप्राइजिंग ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया वॉज रेडी टू यूज बाय द एंड ऑफ जुलाई 23 एट द कॉस्ट ऑफ 6.5 करोड़। द कंपनी इज ऑल्सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ मई 23 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। द कंपनी हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड इन एडवांस इम्पोर्ट ऑफ सर्टन न्यू टेक्सटाइल मशीनरी फ्रॉम साउथ कोरिया एट द कॉस्ट ऑफ 8.65 करोड़। फर्दर, इंडिजीनियस प्रीवियसली यूज मशीनरी एट द कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ वॉज ऑल्सो प्लान फॉर इंस्टॉलेशन। द कंपनी वॉज एबल टू ब्रिंग इम्पोर्टेड एज वेल एज इंडिजीनियस मशीनरी इन द प्रीमाइसेस ऑफ नोएडा ओनली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 एंड वॉज एबल टू किक स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल मेडअप्स फ्रॉम 1 सेप्टेम्बर 23 ओनली। द कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, ओके गुड। द मेड अप्स ऑफ द कंपनी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन द ओवरसीज मार्केट ऑफ यूएसए अंडर ब्रांड ऑफ होम फैब एंड कंपनी हैड कैप्चर्ड गुड चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वाया डिजिटल एंड ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बीटिंग इट्स चाइनीज राइवल्स, ठीक है। द कंपनी हैज चूजन टू एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी। अच्छा, विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट होता है एक्सपोर्ट। डिस्कशन टेक्स प्लेस अमंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ इन हाउस जीएसटी टीम रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड रिलेटेड मैटर्स एंड 4 डिफरेंट ओपिनियंस इमर्ज आउट ऑफ दैट डिस्कशन। फर्स्ट एमसीक्यू में 4 ओपिनियंस थे, उसका डिटेलिंग है। ओपिनियन नंबर 1, द कंपनी इज लीगली बाउंड टू रेज द टैक्स इनवॉइस इन INR फॉर इट्स प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रूल्स एंड फॉरेन करेंसी अमाउंट टू बी कन्वर्टेड इन टू INR इन टैक्स इनवॉइस यूजिंग RBI रेफरेंस रेट इन रिलेशन टू डेट ऑफ इनवॉइस। ऐसा एक ओपिनियन। दूसरा, कंपनी इज लीगली बाउंड टू रेज द टैक्स इनवॉइस इन इंडियन रूपीज एज वेल एज कमर्शियल इनवॉइस इन फॉरेन करेंसी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग सच ट्रांजेक्शन। फर्दर, फॉरेन करेंसी अमाउंट इज टू बी कन्वर्टेड इन INR इन टैक्स इनवॉइस यूजिंग एक्सचेंज रेट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन इश्यूड बाई CBIC रेलेवेंट इन रिलेशन टू द रेट ऑफ इनवॉइस। ये दूसरा ओपिनियन है। किसके ओपिनियन चल रहे हैं? टैक्स इनवॉइस इश्यू करने के लिए, क्यों हमें एक्सपोर्ट करना है,
Opinion 3. The company is legally bound to raise a tax invoice in INR only for its products exported in accordance with the relevant rules, and foreign currency amount is to be converted into INR in tax invoice using the telegraphic TT buying rate and टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है टीटी का फुल फॉर्म, टीटी बाइंग रेट इन रिलेशन टू द डेट ऑफ इनवॉइस, ये तीसरा ओपिनियन। चौथा ओपिनियन 4, द कंपनी इज लीगली बाउंड टू रेज अ टैक्स इनवॉइस इन इंडियन रुपीज एज वेल एज कमर्शियल इनवॉइस इन फॉरेन करेंसी इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग सच ट्रांजैक्शंस। फर्दर द फॉरेन करेंसी अमाउंट इज टू बी कन्वर्टेड इन INR यूजिंग द टीटी सेलिंग रेट इन रिलेशन टू डेट ऑफ इनवॉइस। ये चार ओपिनियंस है, इसमें से कौन सा सही है उसका एमसीक्यू पूछा है। The company has achieved export turnover of 50 crore during the year ended 31st March 2024. It was also credited duty drawback from customs authority relating to 2 crore in its statement of P&L for the same period. During the year ended 31st March 2024, the company also incurred research and development expenditure of INR 10 lakhs. The company's financial statement of the company reflected net profit before tax amounting to 7.5 crore for the same period. बहुत सारे नंबर्स दे दिए तो कंप्यूटेशन का। अच्छा अपन वो रिक्वायर्ड दो आंसर वो क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, ये वाले सर क्या करते हैं, सॉरी। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर लॉ कंप्लायंट एंड डू नॉट वांट टू बी सीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। हाउएवर दे आर आल्सो प्रूडेंट माइंडेड एंड वांट टू टेक टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल लीगली एंड सीक योर एडवाइस। एडवाइस प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी ऑफ सच एनी सच लीगली परमिसेबल बेनिफिट्स टू लोअर इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इग्नोर द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड मेड अप्स ऑफ 50 करोड़ ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी ड्यूरिंग द ईयर 23-24 कैरिंग जीएसटी रेट ऑफ 5%। फर्दर द कंपनी हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ 2 करोड़ ड्यूरिंग 23-24। डिटेल्स आर एज अंडर। डिस्कस वेदर देर इज अनदर लीगली परमिसिबल वे टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स कीपिंग द व्यू प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। द ऑल्सो मेक क्रॉस कंपेरिजन ऑफ एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वर्सेस अदर लीगली कंप्लायंट वे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन बेनिफिट एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर कंपनी मेक सुटेबल अजम्पशन। ठीक है, ये अपन पढ़ना भूल गए थे यार, ऐसा नहीं करने का, सॉरी। यहाँ तक पढ़ा था हमने। पैराग्राफ सी, द इन हाउस स्टाफ जीएसटी टीम ऑफ द कंपनी वॉज मार्ड इन कंफ्यूजन फॉर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ एक्सपोर्ट सेल रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड रिफंड इश्यूज। द एक्सपोर्ट सेल हैड बिगन ऑन From October 23 and made up of INR 5 crore were exported during month of October 23 carrying GST rate of 5%. Breakup of ITC is given. ठीक है। There were divergent opinions among team members pertaining to discharge of tax liability and refund issues given below before they could approach the tax consultant. मतलब वो in-house discuss कर रहे थे कि GST के क्या provisions हैं export को लेके। Opinion one. Overall IGST liability of the company pertaining to supplies in relation to export in October 23 is 0.25 crore, 5 ka 5%. And it would be discharged by the company by availing ITC on input of 0.15 and balance 0.1 crore would be discharged in cash. After discharge of liability and filing of periodical returns in GSTR 3B and 1, the above said amount of 0.25, matlab ye dono ka total, would be refunded or refundable directly by customs in a bank account of the company. ये फर्स्ट ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन, द ओवरऑल आईजीएसटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी पर्टेनिंग टू सप्लाईज इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट इन अक्टूबर 23 इज 0.25 करोड़, 5 का 5%, एंड इट वुड बी डिस्चार्ज बाय अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट ऑफ 0.15, कैपिटल गुड 0.03 एंड सर्विसेज ऑफ 0.02 एंड बैलेंस ऑफ 0.05 करोड़ वुड बी डिस्चार्ज इन कैश। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी एंड फाइलिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स इन 3B एंड 1, अबव सेड अमाउंट ऑफ 0.25 करोड़ would be refunded or refundable directly by customs in the bank account of the company. A second opinion. Opinion 3. The overall IGST liability of the company pertaining to supplies in relation to export is 0.25 crore, वापस 5 का 5%, and it would be discharged by availing ITC on input of 0.15, ITC of 0.03, services of 0.02, and balance of 0.05 would be discharged in cash. After discharge of liability and filing of periodical returns of 3B1, इसमें 9 additional हो गया। The above said amount of 0.25 crore would be refunded directly by customs in the bank account of the company. ये तीसरा, इसमें difference था सिर्फ 9 का कि 9 भी भरना पड़ेगा, ऐसा third opinion बोल रहा है। Opinion 4, the overall IGST liability of the company pertaining to supplies in relation to export in October 23 is 0.25 crore and it would be discharged by the company by availing ITC on 0.15 crore inputs, 0.03 capital goods, 0.02 services and balance of 0.05 crore would be discharged by the company in cash.
After discharge of liability and filing of periodical returns consisting of 3B and 1, the above ITC amounting to 0.2 करोड़ वुड बी रिफंडेड डायरेक्टली बाय कस्टम्स इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। ये चार ऑप्शन है किसके लिए, मैंने 5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है जिसपे 5% लायबिलिटी है, मेरे पास इतने का ITC पड़ा है, कितने का, इतने का, ठीक है, इसका क्या करना है, उसके बारे में चार ओपिनियंस है जो हमने पढ़ा, ठीक है सर। और पैराग्राफ डी, द कंपनी हैड इंपोर्टेड मशीनरी ऑफ 8.65 करोड़ फ्रॉम साउथ कोरिया, द सेड अमाउंट वॉज CIF एट मुंबई मुंद्रा पोर्ट, CIF मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। हाउएवर द कंपनी इनकर 2.36 लाख फॉर क्लियरिंग चार्जेस पेड टू डी के सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूडिंग 0.36 ऑन IGST फॉर अवेलिंग सर्विसेज फॉर गेटिंग कंसाइनमेंट्स क्लियर फ्रॉम द पोर्ट। फर्दर द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट पेड टू डी ट्रांसपोर्ट अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, प्रोप्राइटरी कंसर्न इज नॉट रजिस्टर्ड इन GST एंड कंपनी हैज डिपॉजिटेड 0.15 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज। कंपनी पेड 1.77 करोड़ टू अनदर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 27 लाख ऑन अकाउंट ऑफ IGST ड्यूरिंग 23-20। बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें। और आईटीसी मतलब GST एंड TDS और इनकम टैक्स के प्रोविजन साइमल्टेनियसली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर नंबर्स भी दे दिए, क्या पता कंप्यूटेशन भी पूछ ले। 2 मिनट आराम से पूरी केस स्टडी पढ़ो, जितना मैं देखो, मैं जब केस स्टडी पढ़ता हूँ ना तो कुछ कुछ वर्ड्स बोलते टाइम मैं हाई पिच या उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेने, ठीक है। तो 2 मिनट लो, सांस लो, केस स्टडी पढ़ो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू द आंसर सोल्यूशन, ठीक है। चलो आ जाओ, MCQ नंबर 1 सॉल्व करते हैं। Which of the opinion given by the staff members of in-house GST team relating to preparation of invoice for export transaction is most likely in conformity with the relevant legal provisions? अच्छा, issue क्या था? Tax invoice issue करनी है for export. अच्छा, तो tax invoice issue करनी है तो आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आंसर को शॉर्ट में लिख के रखा है। आपको टैक्स इनवॉइस तो INR में इश्यू करनी है। अच्छा, USD या फॉरेन करेंसी में आप इशू करोगे एक कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस मतलब उसमें GST नहीं होता, सिर्फ यूनिट्स, रेट और फॉरेन करेंसी मेंशन्ड होती है। एंड तीसरा, आप FC से INR में जो कन्वर्जन करोगे वो CBIC की रेट होगी, ना कि RBI रेट। तीन चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, INR में आपकी टैक्स इनवॉइस आएगी। नंबर 2, आपका जो कमर्शियल इनवॉइस होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, उसमें टैक्स नहीं होगा। नंबर 3, जो आप कन्वर्ट करोगे वो CBIC की रेट से करोगे। वो कहाँ पे लिखा है? रूल 34 ऑफ CGST रूल्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर करेंसी अदर देन INR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड शैल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट सेक्शन 14 मतलब CBIC, जो जिस दिन का आपका इनवॉइस है उसका CBIC का नोटिफिकेशन निकाल के आपको रेट चेक करना है और उससे आपको फॉरेन करेंसी को INR में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें राइट कौन सा आएगा? ओपिनियन टू राइट। एक सेकेंड, बहुत नीचे चला गया मैं। ओपिनियन टू पढ़ते हैं। ओपिनियन टू क्या था? The company is legally bound to raise a tax invoice in INR as well as commercial invoice in foreign currency in accordance with the relevant rules and procedures governing such transactions. Further, foreign currency is to be converted using in rupees in tax invoice using the exchange rate in accordance with the rate notification issued by CBIC in relevant in the relation of tax invoice. इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं था, ये एक अवेयरनेस का क्वेश्चन था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी रेट कहाँ से पिकअप करनी है, ये अवेयरनेस का था, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था। बात समझ में आई? इसका ऑप्शन बी। रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23 अंडर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉज एंड रूल्स व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, 2 राइट है, 3 है, 1 है या 4 है? अच्छा, ध्यान दो, यहां पे ध्यान देंगे यहां पे। जब मैं बोलता हूं एक्सपोर्ट विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट, विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट, तो जब मैं विदाउट पेमेंट की बात करता हूं तो उसमें आता है इश्यू रिफंड का, उसमें आता है इश्यू नेट ITC का, जिसमें नेट ITC में आपको कैपिटल गुड्स की ITC अलाउ नहीं होती, फिर उसमें आप प्रोपोर्शनेट करते हो। लेकिन जब आप विथ पेमेंट करते हो तब आपने, जब आप कस्टम्स के, जब आपने एक्सपोर्ट किया पूरी ITC पे कर दी, ठीक है, तो कस्टम्स अथॉरिटीज आपका इनवॉइस चेक करेगी,
वो सब करेगी, एंड कस्टम्स अथॉरिटी ही आपने जो वहां पे जीएसटी पे किया ना उसका रिफंड आपको दे देगी। यहाँ पे जीएसटी आता ही नहीं, जीएसटी अथॉरिटी नहीं आती। आप एक्सपोर्ट करते हो, कस्टम्स से क्लियर होता है, एंड जो भी आपने टैक्स वहां पे किया एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ जीएसटी की बात कर रहा हूँ, वो जीएसटी का रिफंड आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में कस्टम्स प्रोसेस करके दे देता है। और जो आईटीसी होती है वो पूरी मिल जाती है। क्यों? आपने वहां पे पूरा टैक्स भरा तो यहाँ पे आपकी पूरी आईटीसी मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स, सर्विस, इनपुट्स, कोई झंझट नहीं है, सिंपल। आपने जितना टैक्स पे किया उतना रिफंड मिल जाएगा और पूरी आईटीसी भी आपको रिफंड मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। देखो सप्लाई क्या है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है सर, जीरो रेटेड। और मैं अगर विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा हूँ तो रिफंड इज प्रोसेस बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज, फुल रिफंड अवेलेबल एंड फुल आईटीसी कैन बी यूटिलाइज। अच्छा, फुल रिफंड किसका है सर? आउटपुट टैक्स का। और फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड। बहुत सिंपल है। आपने एक्सपोर्ट किया, कस्टम्स ने वेरीफाई किया, आपने जीएसटी पे किया, आपने रिफंड लिया, आपने आपने रिटर्न भरा, तो पूरी आईटीसी आपके उधर आ जाएगी। लेकिन जब आप विदाउट पेमेंट करते हो तब इश्यू आना स्टार्ट होते हैं रिफंड के वगैरह वगैरह। तो हम ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए मतलब ओपिनियन टू इज राइट। ओपिनियन टू पढ़ते, ठीक है। ओवरऑल आईजीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी पर्टेनिंग टू सप्लाईज इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट इज 0.25 करोड़, ठीक है। इट वुड बी डिस्चार्ज बाय अवेलिंग आईटीसी ऑफ 0.15, 0.03 एंड 0.02, मतलब पूरी आईटीसी, एंड बैलेंस वुड बी पेबल इन कैश आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी एंड फाइलिंग 3B1। 9 नहीं आएगा, 9 नहीं भरना है, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन था 9 का, द अबव सेड अमाउंट ऑफ 0.25 विल बी रिफंडेड और रिफंडेबल डायरेक्टली बाय कस्टम्स इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये भी सिंपल था, बट आपको विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन भी है नीचे, ठीक है। तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। आपको ध्यान इतना रखना है कि विथ पेमेंट है तो बहुत सिंपल है, वहां पे मैंने टैक्स पे किया, रिटर्न भरा, उसका रिफंड आ जाएगा। यहाँ मैंने इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी है वो भी पूरी पूरी मिल जाएगी, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मशीनरी परचेस्ड रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन पैरा डी ऑफ द केस स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल कंप्लाई ऑफ कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स लॉ एज वेल एज जीएसटी लॉ इज राइट। मतलब यहाँ पे देखो, डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, उसके लिए चार ऑप्शन दे दी, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं सर टीडीएस की क्या लाइबिलिटी आती है, पैरा डी पढ़ते हैं। द कंपनी हैड इंपोर्टेड मशीनरी ऑफ 8.65 करोड़ फ्रॉम साउथ कोरिया, द सेट कॉस्ट वॉज TIF मुंद्रा पोर्ट, हाउएवर कंपनी इनकर्ड 2.36 लाख एज क्लियरिंग चार्जेस। अच्छा, जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता, 0.36 का हमारा आईजीएसटी था, तो 2 लाख का हमने फ्रेट पे किया। अच्छा, लास्ट सेशन केस स्टडी 3 का सेशन, इसमें ये पूरा डिस्कस हुआ है कि इस पे 194C में 2% पे टीडीएस कटता है, 194C 2% पे। क्यों? इसका पूरा रीजन केस स्टडी 3 के वीडियो में डिस्कस है कि उसमें 194H में क्यों नहीं कटता है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। दूसरा, कंपनी इनकर्ड 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट पेड टू डी ट्रांसपोर्ट प्रोप्राइटरी कंसर्न। अच्छा, फ्रेट पे भी 194C में टीडीएस कटता है, लेकिन प्रोप्राइटर है तो 1% से टीडीएस कटेगा, ठीक है। एंड कंपनी पेड 1.77 करोड़, जिसमें से 27 लाख का जीएसटी था, तो 1 करोड़ फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क 194C में आता है। एंड इस पे कितने पे टीडीएस कटेगा सर? इस पे कटेगा 2% पे, कितना? 1.5 करोड़ पे, 1.77 करोड़, उसमें से 27 लाख की है। जीएसटी बात कर दो, क्या बोल दो सर, जीएसटी लेस कर दो, बात कर दो, गुजराती में लेस कर दो होता है, ठीक है। 1.77 करोड़ में से 0.27 करोड़ आप हटा दो, 1.5 करोड़ पे आपको 2% से टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा, पेमेंट मैंने किया 2 लाख का क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का, 3 लाख का ट्रांसपोर्टेशन का, 1.5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का। 194C में ही कटता है, 2% कटेगा, ये 1% क्यों? प्रोपराइटर है इसलिए, और 2% कंपनी है क्योंकि जिसने कंस्ट्रक्शन किया वो कंपनी है, ठीक है। तो 3,07,000 का टीडीएस मुझे काटना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, 3,07,000, 3,07,000, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अच्छा, इंस्टीट्यूट के साथ चंट है, 3,07,000 के दो ऑप्शन किए, ठीक है। अब अवेलिंग आईटीसी ऑफ 51,000 एंड 27,36, मतलब कितने का आईटीसी मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। 0.36 का एक पे किया है, ये क्या किया है हमने? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इसका आईटीसी मिल जाता है बिल्कुल। 0.15 फ्रेट पे किया है, इसका आईटीसी मिल जाता है बिल्कुल, लेकिन 27 लाख का आईटीसी ब्लॉक्ड है
17 सब सेक्शन 5 में, और इसका इसका 27 लाख को आपको इंक्लूड करना है मशीन की कॉस्ट में, और फिर इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन ले लेना, आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। तो 0.36 प्लस 0.15, 51,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन वन इज राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड वन इज राइट। बात समझ में आई? हमने पहले इजी वाला लिया कि भाई टीडीएस का अपन को ज्यादा अवेयरनेस है, अगर आपको आईटीसी का अवेयरनेस ज्यादा तो आप वो पकड़ लेते, ठीक है। इसमें भी देखो 36,000 वाले भी दो ऑप्शंस थे, इसमें एक 36, हाँ ऑल्टरनेटिवली अगर आपने जीएसटी से स्टार्ट किया होता, ये मैंने अभी देखा, अगर आपने जीएसटी से स्टार्ट किया होता तो जीएसटी का जो करेक्ट अमाउंट है उसका एक ही ऑप्शन है, तो आपको ये तीन इवेल्युएट भी ना करने पड़ते। बात समझ में आई? ये आपको चीजें इंट्यूशन आएगा प्रैक्टिस से, जितनी केस स्टडीज आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आएगा कि यार ये एक ही ऑप्शन देखा होता मैंने, आईटीसी पहले कंप्यूट कर लिया होता और मैं श्योर होता कि 51,000 की आईटीसी आती है, तो फिर ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जाम की बात कर रहा हूं, अभी पढ़ने के लिए तो ठीक है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरा, बट अगर आपने ये कैलकुलेशन पहले कर लिया होता तो ये करने की जरूरत ना पड़ती, आप सीधा वन टिक मार के आगे बढ़ जाते। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पढ़ते टाइम पूरा पढ़ो, लेकिन भाई एग्जाम में तो आप फटाफट जो चीज कर सकते हो वो कर सकते हो ना। सी मैं भी केस स्टडी सब पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ नया ऑन द स्पॉट आ सकता है जो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। हाँ सर, यस सर। द कंपनी इज अंडर स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है पढ़ते हैं। बिल ऑफ लेडिंग इज अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बिल ऑफ लेडिंग तो आता ही नहीं है, पहले तो बिल ऑफ एंट्री आता है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। बिल ऑफ एंट्री इज अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एविडेंसिंग इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कॉपी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू कंसर्न ब्रांच ऑफ बैंक फ्रॉम होम इंपोर्ट ट्रांजेक्शन इज चैनलाइज्ड, ऑप्शन 4 में डी इज राइट। लेडिंग आता ही नहीं है, बिल ऑफ एंट्री आता है, सिंपल है। अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, इन लाइट ऑफ अबव विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज करना है तो आपको AOC फाइल फाइल करना है 7 दिन में आफ्टर पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है 7 दिन में, AOC फाइल आपको सबमिट करना है एंड यू कैन शिफ्ट। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, कंपनीज एक्ट में आपको मिलेगा। अच्छा एक और चीज, ये तो इंटर के लॉ में आपको मिलेगा, फाइनल के लॉ में तो मिलेगा भी नहीं, कि फाइनल के लॉ में ये चीज एड्रेस नहीं हो रही, ये वो प्रिलिमिनरी वाले चैप्टर आते हैं जो इंटर में, वहां का एमसीक्यू है, कुछ भी आ सकता है, देख लो, है ना, ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। अब ऐसी चीजों के लिए ना एज सच कोई सोल्यूशन नहीं होता, अभी इंटर का आप नहीं लेके गए और आपको नहीं पता कि भाई AOC 5 A4 है, तो ये 2 मार्क गए आपके, तो उतना स्टैंडर्ड एरर तो रखना आप कि भाई उतना तो हो गए, है ना। बट वी विल ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम, और हम चीजों को लिंक करते करते पढ़ेंगे तो मजा आएगा, समझ समझ के पढ़ेंगे, लिंक करेंगे, दो बार चीजों को देखेंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप एमसीक्यू देख लो एंड वी विल मूव टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चलो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं, है ना। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर लॉ कंप्लायंट एंड डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन इन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, However, they are also prudent minded and want to take tax benefits available legally and seek your advice. Advise the promoters of the company of any such legally permissible benefits to lower its income tax liability for assessment year 24-25. Ignore the adjustment on account of depreciation under the Income Tax Act 1961. देखो कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है आपको, पूरा स्टोरी बता दिया, बोला टैक्स कैसे बचाना बता। अगर ऐसी कोई चीज एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए ना तो 10-15 सेकंड के लिए तो इंसान ब्लैंक हो जाए, क्योंकि तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, और हम जब FR SFM वगैरह करते हैं ना तो हमें एक आदत होती है कि जो डेटा आया उसको सेग्रीगेट करो उसको क्वेश्चन में यूज करना, इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा है तो क्वेश्चन में यूज ही नहीं आएगा। तो भाई अब आपको ऐसे ओपन एंडेड गूगलीज को कैसे हैंडल करना है, उसका एक सिंपल मैंने कैसे सोचा था वो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि मेरी कंपनी को टैक्स कम भरना है और लीगली टैक्स कम भरना है, अब ऑब्वियसली क्या करना है। तो अगर सिंपल बात है कि अगर मैं उसको नॉर्मल टैक्स के प्रोविजंस बताऊंगा तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो मुझे इनकम टैक्स एक्ट में से कोई ऐसे प्रोविजंस बताना है जिसमें नॉर्मल से कम टैक्स आता हो, नॉर्मल से कम टैक्स आता हो। तो मुझे ये सोचना है पहले नॉर्मल टैक्स क्या है,
तो एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 25%, 30%, 25%, 30%, 25% जिसका टर्नओवर 21-22 का 400 करोड़ से, ये 400 करोड़ या उससे कम है, उसका 25%, बाकी कंपनीज का 30%। स्पेशल टैक्सेस है जैसे कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, विनिंग की इनकम हो गई, उस पर अलग अलग टैक्स रेट्स में टैक्स आता है। इसमें ऐसी कोई इनकम नहीं बताई, नॉर्मल इनकम भी दिया। लेकिन लेकिन अब मुझे ऐसा सोचना है कि इससे कम किस सेक्शन में टैक्स आता है, इससे कम। तो इनकम टैक्स एक्ट में दो सेक्शन है, कौन सी दो सेक्शन, 115BAB, 115BAA। अच्छा कोई इश्यू नहीं है अगर आपका आज की तारीख में DT कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बहुत सारे लोगों का DT कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, जब आप DT पढ़ोगे उसके बाद वापस आओगे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपको सेक्शन का ब्रीफ दे रहा हूँ। सेक्शन 115BAA करके एक सेक्शन होती है जिसमें टैक्स रेट है 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, 25% से कम। 115BAB करके एक सेक्शन है जिसमें 15% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस, दोनों नॉर्मल प्रोविजन से कम है। सॉरी, अब मुझे ये सोचना है कि भाई इन दो सेक्शंस मतलब BAA एंड BAB के लिए मेरी कंपनी एलिजिबल भी है या नहीं। तो दोनों सेक्शंस में मेरी कंपनी एलिजिबल है। 115BAA की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी कंपनी, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी। 115BAA की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन 115BAB की एक रिक्वायरमेंट है कि 1/10/2023, सॉरी 1/10/2019 से लेके 31 मार्च 2024 तक, 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपकी आपकी कंपनी इस पीरियड में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस में है, तो 115BAB के लिए वो एलिजिबल, 115BAB के लिए वो एलिजिबल है। तो मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, May 2023 में, और क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है किसका, टेक्सटाइल्स का, तो बिल्कुल एलिजिबल है। तो मेरी कंपनी 115BAB के लिए एलिजिबल है जिसका टैक्स रेट है 15% प्लस 10% प्लस 4%, विच इज लेस देन नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो मैं अपनी कंपनी को एडवाइस दे सकता हूँ कि आपके लिए 115BAB इज बेनिफिशियल। देखो मैंने कैसा सोचा, नॉर्मल क्या है, अब मुझे ऐसी सेक्शंस ढूंढनी है जिसमें इससे कम है। अच्छा इससे कम है तो मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं, और अगर एलिजिबल हूँ तो मैं अभी देखता हूँ कि भाई 115BAB में ऑप्ट करके क्या क्या बेनिफिट्स ले सकता हूँ। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग में, असेसी कौन है, कंपनी है, नॉर्मल रेट्स क्या है 25%, 30%, लेकिन कंसेशनल टैक्स रेट्स है 115BAA में 22 प्लस 10 प्लस 4। एलिजिबिलिटी ऑल डोमेस्टिक कंपनीज, लेकिन BAB में ये टैक्स रेट है। एलिजिबिलिटी क्या है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी जिसने इनकॉर्पोरेशन इस पीरियड में किया है। ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज इन फर्स्ट ईयर, मैं जब अपना फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करूंगा तभी मुझे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, वरना मैं इस ऑप्शन में नहीं जा सकता, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो भाई मैं अपनी कंपनी को, जो मेरे से कंसल्टेंसी लेना है, उसको ये बोलूंगा कि सर आप 115BAB में चले जाओ, 15% प्लस 10% प्लस 4%। लेकिन सर सामने वाला मुझे काउंटर क्वेश्चन करेगा कि इसमें जाने की कंडीशंस क्या क्या है, इसमें जाने की कंडीशंस क्या क्या है। देखो टैक्स अगर सेव हो रहा है ना तो कुछ कंडीशंस तो होगी, या तो कुछ डिसअलाउंसेस होंगे या कुछ बेनिफिट्स हमको फोरगो करने पड़ेंगे, तो वो देख रहे हैं। देखो कंडीशंस क्या है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, मजाक तो नहीं चल रहा, मैंने अपनी एक कंपनी की दो कंपनी बना दी, दूसरी कंपनी में बोल दिया ये नई कंपनी है, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं हो पाएगा। नॉट यूजिंग सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, नॉट यूजिंग सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 20% तक आप यूज कर सकते हो। अच्छा अगर बाहर के देश में यूज प्लांट मशीनरी है जिसको आप इम्पोर्ट कर रहे हो वो भी चलेगा, मतलब ये जो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में 20% तक चलेगा एंड दूसरा इम्पोर्टेड चलेगा। क्या ये कंडीशन अपन फुलफिल कर रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, 8.65 करोड़ की हम लाए नई न्यू टेक्सटाइल मशीनरी और सिर्फ 2 करोड़ की हम लाए सेकेंड हैंड, तो 10.65, 2/10.65, 20% से कम है, मतलब वी आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एज वेल। ठीक है, नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस, मतलब कोई अदर बिजनेस में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल। नॉट एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस, मतलब ये कुछ प्रोहिबिटेड बिजनेसेस है,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं है, माइनिंग में नहीं है, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक एंड सिमिलर इनटू स्लैब्स में नहीं है, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर में नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं है एंड अदर बिजनेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैं तो टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ, तो प्रोहिबिशन लिस्ट में भी मैं नहीं आता, तो इसमें भी मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो ये तीन चार कंडीशन मैंने देखी कि क्या अब मैं BAP सोच लिया कि ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता हूँ, अब इन कंडीशन में फॉलो हो रहा हूँ, बिल्कुल फॉलो हो रहा हूँ। तो सर अब मैंने तय कर लिया कि आई विल गो फॉर 115 BAB सेक्शन। लेकिन सर अब इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होगा? तो भाई नो डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इन बिलो एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा जिन लोगों का DT बाकी है, जिन लोगों का DT बाकी है वो लोग ध्यान देना, PGBP की सेक्शन 28 से 44 समथिंग सेक्शंस होती है, पक्का याद नहीं है, 28 से 43 44 सेक्शंस होती है जो आपको PGBP कंप्यूटेशन की सेक्शंस होती है। 28 में आपका आपका 32 में डिप्रिसिएशन मिलता है, 28 में आपको फॉर्मेट दिया जाता है, 29 में बोला है कि ये करो, 30 से 36 तक डिडक्शंस मिलते हैं, फिर उसके बाद प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वगैरह वगैरह। मेरा DT पूरा मुंह जबानी नहीं है ऑफ कोर्स। उसमें से मतलब आप जब DT का कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बनाते हो, इंटर में तो बनाया होगा, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, फिर एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, एड इनकम्स, लेस अलाउड एक्सपेंसेस, लेस नॉन टैक्सेबल इनकम्स, ऐसे करके बनाते थे। तो आप ये जब कंप्यूटेशन कर रहे हो तब ये सारे एक्सपेंसेस के आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस के किसके 10AA के नहीं मिलेंगे, क्लॉज 2A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 32, 32(1)(2) एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस के आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा प्लीज ये सारे सेक्शंस आप DT में वापस अच्छे से पढ़ने वाले हो, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और मैंने आपको इनिशियली कथा की कि मैंने कैसे सोचा था, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एंड कंपनी हैज टू ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139, वो तो मैंने ऊपर भी बताया। इंस्टीट्यूट का आंसर देखो कितना बड़ा है, पहले तो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया मेजर टैक्स पॉलिसी इनिशिएटिव 115 इंट्रोड्यूस किया है इस असेसमेंट ईयर से, 15% प्लस 10% प्लस 4% है, वेरी फर्स्ट ईयर में आपको इसको ऑप्ट करना है, फॉलोइंग कंडीशंस है, ठीक है, और कंपनी इज नॉट एंगेज, ये दूसरी कंडीशन है कि कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस, प्रोहिबिटेड बिजनेसेस की ये लिस्ट है, फिर नो डिडक्शंस ऑफ दीज एक्सपेंसेस, नो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। फिर उसी कंडीशंस को नीचे रिलेट किया है, इन द प्रेजेंट केस द कंपनी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ 15% सिंस इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन, रजिस्ट्रेशन टाइम पे हुआ है, नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। उन लोगों ने 10.65, 2 बाय 10.65 जो मैंने किया 18.78 है, विच इज लेस देन 20%, मैन्युफैक्चरिंग है और उसका रिसर्च करता है, डज नॉट फॉल इनटू प्रोहिबिटेड कैटेगरीज, डज हैज नॉट टेकन एनी अदर बेनिफिशियल प्रोविजंस, और फर्स्ट ईयर में उसको फाइल करना पड़ेगा। अब जब एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा तो आपके पास बुक होगी, आप लिख लेना, सोचना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको सोचना कैसे है, ठीक है। तो दिस वॉज द आंसर टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। DT में आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा DT नहीं हुआ डोंट वरी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आपका DT नहीं हुआ तो वी आर बिल्डिंग एन IQ कि हम एग्जाम में केस स्टडीज को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो आप पढ़ नहीं, ठीक है सर, ठीक है। दूसरे डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते हैं, इधर जा जा तो चला जाता है। हाँ द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड मेड अप्स ऑफ 50 करोड़ ऑन पेमेंट ऑफ IGST ड्यूरिंग द ईयर 23-24 विच हैड रेट ऑफ 5%, फर्दर द कंपनी हैज अवेल ITC ऑफ 2 करोड़ ड्यूरिंग 23-24, डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज अंडर, 1.5 करोड़ इनपुट, कैपिटल गुड्स पे 0.36 एंड सर्विसेज पे 0.14, डिस्कस वेदर देर आर एनी अदर लीगली परमिसेबल वे टू एक्सपोर्ट गुड्स कीपिंग इन व्यू प्रोविजन ऑफ GST लॉ, ऑल्सो मेक अ क्रॉस कंपेरिजन ऑफ एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ IGST वर्सेज दैट अदर मोड ऑफ एक्सपोर्ट इन वे ऑफ टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन बेनिफिट एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स टू द टैक्स पेयर कंपनी, मेक सुटेबल अजम्पशन। अच्छा मैंने बताया था आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट करने के, एक विथ पेमेंट ऑफ GST, एक विदाउट पेमेंट ऑफ GST, विथ पेमेंट ऑफ GST एंड विदाउट पेमेंट ऑफ GST। विथ पेमेंट ऑफ GST थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया, टैक्स भर दिया,
कस्टम्स विल क्रेडिट माई टैक्स, क्योंकि एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है, तो मैंने जो टैक्स भरा वो भी आ जाएगा और मुझे अपनी फुल आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन विद पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है, सॉरी विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है, विद पेमेंट में पूरा जो टैक्स पे किया उसका भी रिफंड आ जाता है और आईटीसी का पूरा मिल जाता है, आईटीसी भी आपको, और इनपुट इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स तीनों का मिल जाता है। लेकिन विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है, सी आपने सपोज मैं ये फोन मैन्युफैक्चर करता हूँ और ये एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट में मैंने टैक्स पे नहीं किया, तो मैंने ये फोन जैसे बनाया जिस कंपोनेंट से बनाया है उसका टैक्स मैंने भर दिया होगा, उसका आईटीसी पड़ा होगा। अच्छा मैं पे नहीं कर रहा तो मेरा आईटीसी यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है, तो मेरे पास आईटीसी पाइल अप हो रहा है जिसका मुझे रिफंड नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, यू आर टेकिंग आईटीसी, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द पेमेंट, तो आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है उसका हम रिफंड दे देंगे। और रिफंड का एक फॉर्मूला आता है, नेट आईटीसी इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एक्सपोर्ट में फिर गुड्स प्लस सर्विस करना है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट फॉर्मूला, माइंड वेल, ठीक है। लेकिन एक इशू है, एक इशू दोनों में, इसमें आपको फुल आईटीसी का रिफंड मिलता है लेकिन इसमें आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। तो ध्यान देना, इतना ही आंसर, इतना ही है एज सच। मैंने टोटल आईटीसी है मेरा 2 करोड़, ठीक है, अगर मैं विथ पेमेंट में जाता हूं तो मुझे 2 करोड़ का मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं विदाउट पेमेंट में जाता हूं तो मुझे 1.5 एंड 0.146, 1.64 का आईटीसी का रिफंड मिलेगा। उसमें भी प्रॉब्लम, इसका भी प्रोपोर्शनेट होता है, इसमें अगर टर्नओवर का डिटेल नहीं दिया है तो आप वी कैन कंपेयर 1.64 विथ 2, लेकिन अगर टर्नओवर का डिटेल दिया होता तो ये 1.64 का भी प्रोपोर्शनेट होता है। तो विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या हो रहा है, आपको ये पूरा मिल रहा है 2 करोड़, प्लस आप 50 करोड़ इंटू 5%, आप जो 50 करोड़ का 5% कर लो, आप जो 2.5 करोड़ का आप क्या पे करोगे सर, आपका आउटपुट लायबिलिटी आएगा, उसके सामने आप 2 करोड़ का आईटीसी लोगे, तो आप 0.5 करोड़ आप कैश में पे करोगे, ये कैश भी वापस आ जाएगी, ये कैश भी वापस आ जाएगी और ये 2 करोड़ भी वापस आ जाएगा, तो आपका नेट नेट में जीरो बैठेगा। लेकिन आप जब विदाउट पेमेंट ऑफ आईटीसी करोगे तो आपका 1.64 का ही आपको रिफंड मिलेगा। तो मॉनिटरी टर्म्स में विद पेमेंट इज बेनिफिशियल, लेकिन एक चीज है कि इसमें आपका जो 0.5 करोड़ का जो फंड है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इस पे इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन आ सकता है, अगर इसमें इंटरेस्ट का रेट दिया होता तो एसएफएम में चले जाते हैं अपन कि इस ब्लॉक फंड पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन वो कुछ डिटेल नहीं दिया। अच्छा प्रोसीजरल एस्पेक्ट में क्या होता है, विथ पेमेंट में तो कस्टम्स आपको रिफंड कर देता है, लेकिन विदाउट पेमेंट में यू हैव टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड, उसका फिर अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसमें कितना रिफंड मिलेगा, क्या एप्लीकेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, तो दोनों के प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी अलग अलग है, लेकिन एज फार एज मॉनिटरी एस्पेक्ट इज कंसर्न विथ पेमेंट इज मोर बेनिफिशियल। ये आपका सोल्यूशन है, यहां ध्यान, विथ पेमेंट कर सकते हो, विदाउट पेमेंट कर सकते हो, सॉरी विदाउट पेमेंट करोगे एलयूटी में तो 1.64 का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप विथ पेमेंट करोगे तो पूरा 2.5 करोड़ वापस आ जाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन इज टू बी मेड, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी नो टैक्स इज डिपॉजिटेड, इनिशियल आउटले नहीं होता, लेकिन मैं विथ पेमेंट करता हूं तो मेरा 0.5 करोड़ का इनिशियल आउटले होता है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस गिन लेना, तो वो बात है, ठीक है, इसका आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये भी आप जब एक्सपोर्ट पढ़ोगे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर या रिफंड पढ़ोगे, तब रिफंड के फॉर्मूला पढ़ोगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन सोचा कैसे अपन लोगों ने, ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई 2 ऑप्शन है, एक दो उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देगा, प्रोसीजरल एस्पेक्ट देगा। जब आप लोग ना ये सब सब्जेक्ट पढ़ लोगे और ये वीडियो शायद आप इफ इफ यू वॉच इन मार्च, आपको और क्लैरिटी होगी। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज और केस स्टडीज आएंगे, तो फिर एंड एंड में पूरा अपलोड करने जाऊंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो आई एम डूइंग ऑन माई पार्ट, लेकिन आपकी क्लैरिटी, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको ऐसा अधूरापन लग रहा है, तो लगने दो, बिकॉज आपने इन सब्जेक्ट्स को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा। आपका अगर एफ आर हो गया और एफ आर की केस स्टडी आ गया, बहुत कंफर्टेबल हो गया, है ना, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आपको धीरे धीरे केस स्टडीज में भी कंफर्ट आने लगेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 4। अच्छा मैं सब्सक्राइब वगैरह करने का बोलता नहीं हूँ, लेकिन कर दो यार, यही तो मोटिवेशन है अपने लोगों के लिए, बाकी हम तो ऐसे ही करते हैं ये सब चीजें, है ना। मिलते हैं अगली केस स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कनेक्ट कर सकते हो, आई विल ड्रॉप एवरी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेक केयर।